नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब में 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म। और क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने अपने हिमाचल दौरे के दौरान, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र से भरी चुनावी हुंकार, और सीएम जयराम ठाकुर ने इस दौरान क्या कहा, पूरी जानकारी ये भी आपके साथ साझा करेंगे। कांगड़ा चाय को शीघ्र यूरोपीय संघ का जीआई टैग मिलने की संभावना, किस तरह से मिलेगा ये जीआई टैग, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का हेलीकॉप्टर कंगनी धार में लैंड हुआ। विक्टोरिया ब्रिज से रोड शो शुरू किया गया। अरविंद केजरीवाल ने सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी से चुनावी शंखनाद किया। समर्थकों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आपने दिल खुश कर दिया, चारों ओर झंडे ही झंडे, हम आम आदमी हैं, हमें राजनीति नहीं काम करना आता है, देशभक्ति आती है। दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म किया, 20 दिन में पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, यकीन नहीं होता तो वहां अपने रिश्तेदारों से पूछो, कोई रिश्वत नहीं मांगता, जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा। आम आदमी पार्टी के रोड शो के दिन बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी गृह जिला मंडी से अपने विधानसभा क्षेत्र सराज से चुनावी हुंकार भरी है। थुनाग में भाजपा के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और बलिदान से भाजपा का संगठन और पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आजादी के बाद राजनीतिक दलों का गठन होने पर भाजपा ने अनेक चुनौतियों का सामना किया और आज एक सशक्त पार्टी के रूप में भाजपा का उदय हुआ है। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेतृत्व दौर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम विचार, व्यवहार और पहचान से अलग हैं, इसका श्रेय करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और लाल कृष्ण आडवाणी सहित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। वहीं सीएम ने चले बूथ की ओर, बढ़े जीत की ओर जनसंपर्क अभियान का आगाज भी किया। जी हाँ, जोड़ी पंचायत के झुंड गांव के बूथ अध्यक्ष बुद्धि सिंह के घर पर भाजपा का झंडा फहराकर इस अभियान की शुरुआत की गई। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 929 के तहत प्रयोगशाला टेक्नीशियन की लिखित परीक्षा रद्द कर दी है। इन पदों को भरने के लिए अब सीधे मूल्यांकन परीक्षा होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि आयोग ने प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पद पर भर्ती के लिए 11 जून को लिखित परीक्षा निर्धारित की थी, लेकिन कम आवेदनों के चलते आयोग के नियमों के तहत अब 16 अप्रैल को 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा की जाएगी। करसोग अस्पताल में एनएचएम के बैनर तले बुधवार को आकाश हॉस्पिटल दिल्ली के सहयोग से 3 दिवसीय बहुविशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक हीरालाल द्वारा किया गया। इस मौके पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमर गुरेलिया, मंडल भाजपा अध्यक्ष कुंदन ठाकुर और आकाश अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट नागेश सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मनाली की वादियां ट्रैकिंग के लिए पर्यटकों की पहली पसंद बनती जा रही हैं। देश के पर्यटक जहां रोमांचक सफर यहां आकर करना चाहते हैं, तो वहीं दिल्ली, मुंबई और गुजरात समेत कई राज्यों से पर्यटकों ने इसके लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि विदेशी पर्यटक इसके लिए कम रुचि दिखा रहे हैं, कोविड के चलते सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इसकी वजह माना जा रहा है। कुछ देश अभी भी अपने नागरिकों को वीजा नहीं दे रहे। 2 वर्ष तक कोविड संकट के कारण मनाली में पर्यटन कारोबार बंद रहा। इस वर्ष मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सभी संबद्ध विभागों के सामूहिक प्रयासों से कांगड़ा चाय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ है और शीघ्र ही कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ के जीआई टैग मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चाय की खेती और विकास का विषय अप्रैल 1999 में उद्योग विभाग से कृषि विभाग को स्थानांतरित किया गया था। इसके उपरांत प्रदेश में और विशेष तौर पर कांगड़ा चाय की खेती में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विभाग के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2005 में कांगड़ा चाय को भारत में जीआई टैग मिला था। प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में 4 विभागों, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय पालमपुर, राज्य के सहकारी और कृषि विभाग सीएसआईआर आईएचबीटी पालमपुर और चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में आज वर्चुअल माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के उपाय को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत राघव शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइरीन सहित प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इनमें प्लास्टिक स्टिक्स युक्त ईयरबड्स और गुब्बारों के लिए प्रयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, प्लास्टिक के कप, प्लेटें, कूप, स्पून और नाइफ, कटलरी और ट्रेज सहित अन्य चीजें इसमें शामिल की गई हैं। जिला ऊना के ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए आरंभ किए गए 1 साल 5 काम अभियान के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं और गांव में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हो रहा है। 1 साल 5 काम अभियान के तहत जिला ऊना में कुल 1222 बड़े कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 88 पूर्ण कर लिए गए हैं और 695 युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। बाकी कार्यों को शुरू करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अभियान के तहत जिला ऊना में अब तक 9.77 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जल शक्ति, राजस्व, उद्यान और सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन में लगातार तीसरे वर्ष देश भर में प्रथम स्थान पर आए हिमाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इंसेंटिव के रूप में 750 करोड़ की धनराशि मिली है। इससे पहले वर्ष 2020-21 में भी प्रदेश को 222 करोड़ और वर्ष 2019-20 में 57 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। महेंद्र सिंह ठाकुर बुधवार को झंडूता विधानसभा क्षेत्र के गांव शेरवा चंगर में लगभग 1.4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जल शक्ति विभाग के ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति प्रशिक्षण केंद्र के भवन का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उपमंडल रोहडू की चिड़गाम तहसील की खावल पंचायत के देनबाड़ी गांव में आग लगने से एक मकान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेजी से फैले कि 3 मंजिला ये मकान राख हो गया। आपको बता दें कि इसमें 3 परिवारों के 12 सदस्य बेघर हो गए। इसमें इससे मकान मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। जब घर में आग लगी तो उस समय वहां पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। प्रभावित परिवारों के लोग बच्चों की पढ़ाई और व्यापार और नौकरी पेशा होने के कारण चिड़गाम में रह रहे थे और घर पर कोई भी नहीं था। आग की यह घटना मंगलवार रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। साथ लगते घरों के लोगों ने मकान से आग के लपटों को निकलते देखा और सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। स्थानीय लोगों ने घरों के सदस्य और अग्निशमन विभाग को भी घटना की जानकारी दी और अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि स्थानीय लोग कुछ भी नहीं बचा पाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।